विनय में मैंने आपको पहले बताया था कि विनय का एक छोटा सा परिचय दिया था भाग एक में, ये भाग दो है जिसमें पातिमोक्ष की आरंभ होता है। पातिमोक्ष क्या है बेसिकली? पाति माने होता है प्राति और मोक्ष माने तो आप जानते हैं निब्बान है या मोक्ष है या मोक्ष बोलते हैं। तो जो पाति है उसको प्राति बोलते हैं और अगर सरल भाषा में कहें तो उसको बोलेंगे सूची या कैटालॉग, यानी किसी चीज की वो सूची है, कैटालॉग है। किसकी है? मोक्ष प्राप्त करने वाले जो नियम है उनकी सूची है, तो उसको पाति मोक्ष के नाम से पूरे पाली साहित्य में जानते हैं। बेसिकली ये कैटालॉग है, सूची है, जो मोक्ष प्राप्त करने में जो चीज आती है काम, उन कामों की बार बार एक आवृत्ति होती है। इसको पूरा कहें तो हम बोलेंगे पातिमोक्ष आवत्ति, आवत्ति। यहां जो जैसे हम पातिमोक्ष में जाते हैं तो पातिमोक्ष का जो पहला चैप्टर आता है वो आता है निदान का, यानी निदान सबसे पहले करना होता है। निदान को बोलते हैं कन्फेशन। जो ईसाई मत के अंदर जो आपने देखा होगा एक फादर जो चर्च के अंदर एक कटघरा सा बना होता है उसके अंदर फादर, पिक्चरों में देखा होगा फादर खड़े हो जाते हैं और एक व्यक्ति आता है वो कन्फेस करता है। कन्फेस का मतलब वो कबूल करता है अपने पाप को, अपने दोस्त को जो गलतियां उसने की हैं। फादर बिना उसकी शक्ल देखे, बिना कुछ उसे किए हुए और अपनी सारी बात उसकी सुनते रहते हैं और कभी किसी को नहीं कहते। वहाँ डेड फेथ होता है कि फादर हमारी बात किसी को कहेंगे नहीं, इसलिए जिस व्यक्ति को अपने मन के दोस्त वहाँ निकालने होते हैं वो फादर के साथ में कन्फेस करता है, मैंने वहाँ पैसा चुराया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सवाल जवाब भी होते हैं, वो पूछता भी रहता है और अपने सवाल जवाब में वो कैसे इस पाप को पुण्य में बदले इस बारे में वो चर्चा करते रहते हैं, उसको कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन हो गया, ये कोर्ट में भी चलता है, जब कोई अपराधी अपना अपराध कबूल करता है उसको कन्फेशन बोलते हैं। ये परंपरा भगवान बुद्ध की है कन्फेशन वाली, इसको निदान बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये समस्या आई तो हमने इसका निदान कर दिया, ये समस्या आई तो हमने इसका निदानीकरण कर दिया, आओ वहाँ जाके इस बात का निदान कर लें, भाई इसको जल्दी से निदान कर लेना वरना ये गले की हड्डी बन जाएगी, ऐसी बात हम निदान के लिए बोलते हैं। निदान का मतलब है कि उस गलती को ठीक करना है, उस पाप को ठीक करना है, जो काम गलत हुआ है उसका निदान करना है, ठीक करना है। तो निदान उस समय कैसे आरंभ हुआ और कैसे चलता था ये मैं आज आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जैसे वहाँ पे भगवान बुद्ध के समय में होता था। एक होता है उपोषतगार। अब उपोषतगार क्या होता है? जहाँ उपोषत करने के लिए सारे भिक्कु या भिक्कुणी बैठते हैं उसको उपोषतगार बोलते हैं। गार माने होता है कोई घर, कोई कमरा, कोई हॉल, कोई जगह, जिसको गार बोलते हैं। गार माने गुफा भी होता है अरबी के अंदर, क्योंकि मोहम्मद साहब भी एक गार में जाया करते थे और गार में जाके कहते हैं कि वो खुद से खुदा से बात करते थे, खुद खुदा करके वहाँ वो बात करते थे गार में जाके, बीच बीच में जाया करते थे। तो ये जो गार है यानी एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ जो उपोषत होना है, उपोषतगार में जो उपोषत की सभा होनी है, जो पातिमोक्ष का आवृत्ति की सभा होनी है, उसमें साल महीने में दो बार होनी है, यानी कि एक बार वो 14 काली आती है, 14वां दिन जब मून बिल्कुल ब्लैक होता है, और एक आती है पूर्णमासी को, जब पूर्णमासी जिस दिन होती है फुल मून होता है। इसके अलावा विशेष अवसरों पर भी वो आती रहती है और विशेष अवसरों पर या कोई समस्या आती है तो सारा भिक्खु संघ इकट्ठा होता है। भिक्कुणी संघ अलग इकट्ठा होता है, उसका भिक्कुणी संघ के साथ इकट्ठा होने का रूल नहीं है और भिक्खु संघ अलग इकट्ठा होता है। इसलिए पातिमोक्ष भी दो तरह के हैं, एक भिक्कुणियों का अलग है और भिक्कुओं का अलग है। मैं यहाँ आपको पहले भिक्कुओं का बताऊंगा कि भिक्कुओं का सिस्टम क्या है, उनके नियम अलग हैं, इनके अलग हैं। उपोषत क्या होता है? उपोषत होता है जो आपको धम्म का पोषण दिया है, पोषत दिया है धम्म का, जो धम्म का पोषण है, न्यूट्रिशन आपको दिया है, उसमें जो कमी आ गई है उसको सप्लीमेंट्री देना है, उसको एडिटिव देना है, उसको पूरक करना है। उसको पूरक करने के लिए आपको वहाँ जाके बताना है कि ये कमी आ गई है, ये दोष आ गया है, उस दोष को दूर करना है और उस दोष को, उस कमी को दूर करके वहाँ से एडिटिव खुराक लेनी है। संघ बताएगा आपको कि अब आपका ये जो दोष है इसको कैसे दूर किया जाए, तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं न्यूट्रिशन की, या उसको पाली भाषा के अंदर उपोषत बोलते हैं या उपपोषक बोलते हैं। और जो लोग अपना घर छोड़ के बिहार में रहते हैं उसको उपवास बोलते हैं। तो उपवास में और उपोषत में दोनों में अंतर होता है। उपोषत बेसिकली वहाँ से आया हुआ शब्द है। तो निदान कैसे होगा? क्योंकि उपोषत की जब पातिमोक्ष की जब क्रिया होती है तो उपोषतागार में होती है, तो उपोषत के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने धम्म का उपोषण करना है, धम्म का न्यूट्रिशन बढ़ाना है। तो सबसे पहले नियत समय पर एक भिक्कू
एक भिक्कू जब सभा आरंभ होती है तो एक भिक्कू खड़ा होता है और वो ये कहता है कि अगर संघ की इजाजत हो तो, अगर संघ इस बात को दे, संघ मुझे इजाजत दे, अवकाश दे। एक बात इस पूरी जो चर्या है वो खास बात है कि इसमें सुप्रीम संघ है जो धम्म सेना पर है उस समय, या जो नायक बनाया गया है या जो प्रधान बनाया गया है वो नहीं है। यानी हर बात संघ को पूछ के होगी, संघ की सहमति से होगी, ये खास बात है इसकी। लोकतंत्र पूरा है, डेमोक्रेसी पूरी है। तो सभा पूरी बैठ गई है, सभा बैठ गई है, भिक्कुओं की सभा है, भिक्कुणियों की नहीं बता रहा हूँ आपको, वो अलग होती है। तो सभा में सबसे पहले एक जो व्यक्ति है, एक जो भिक्कू है, वो उठेगा और एक व्यक्ति वहाँ उठकर कहेगा कि संघ मेरी बात सुने, संघ ध्यान दे और मुझे अनुमति दे। अगर संघ सहमति देता है तो मैं फलाने नाम की यहाँ जो पूरे सभा को चलाने के लिए धम्म आसन के लिए, यानी उस दिन का मेन जो धम्म आसन है उसको चलाने के लिए इस नाम की जिक्र करता हूँ, इस नाम का स्तुति करता हूँ, अगर धम्म अनुमति दे तो इस नाम के लिए अनुमति बताए। तो सारे लोग अगर उस पर सहमत है, उस नाम पे धम्म आसन पे जो भिक्कू बैठेगा, तो सारे लोग साधु साधु कह के उसको हाँ कर देंगे। और अगर सारे चुप रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सम्मति बात हो गई है, यानी वो भिक्कू हो गई। चुना हुआ भिक्कू जो है वो धम्म आसन पे बैठता है और धम्म आसन पे बैठने के बाद कहता है कि अगर भिक्कू संघ की सहमति हो, यानी वो भी सहमति ले रहा है जो धम्म आसन पे बैठा है, जो आज का इसको सभापति है या जो आज की सभा चलाएगा या जो उपोषितगार में उपोषित का सभापति है, तो कहता है कि अगर संघ मुझे अनुमति दे, अगर संघ की सहमति हो, अगर संघ की इजाजत हो, अगर संघ सही समझे तो। तो ये जो काम है, पांच काम है, इन पांच कामों को पातिमोक्ष से पहले करने की कहा गया है। यानी ये नियम बनाया भगवान ने कि पातिमोक्ष जब स्टार्ट होगा, आरंभ होगा, उससे पहले पांच काम ये करने, और भी काम है, पहले शुरू में पांच ही हैं। तो पांच काम पाली में बताए गए हैं, पाली में आपको बाद में लिख के इसमें दूंगा, फिलहाल मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि कौन कौन से काम इसमें हैं। सबसे पहला काम है कि जो सभा में नहीं आया है, यानी कि कोई भिक्कू अगर सभा में नहीं आया है, बीमार है, तो उसको दो चीज़ें वहाँ भेजनी है सभा में। इसको प्रॉक्सी बोलते हैं, भाई हम नहीं आ रहे सभा में, हमारा लेटर ले जाओ या हमारा मत बोल देना या हमारा वीडियो ले जाओ या हमारी ऑडियो ले जाओ या हमें वहाँ जाके टेलीफोन में बात करा देना कि हमारा मत ये है। तो उसको भेजना होता है, जो भी भिक्कू है, क्या भेजेगा जो रोकी आ नहीं सकता है, बूढ़ा है, तो वो कहेगा एक तो मेरा छंद ले जाओ, बोट ले जाओ। यानी कि वहाँ बोटिंग भी होती है, किसी समस्या में अगर झगड़ा हो जाए तो बोट से फैसला होता है, डेमोक्रेसी है, आप ध्यान रखना। भिक्कू संघ में भी जो आसन पे बैठा हुआ है उसकी नहीं चलती, कोई झगड़ा है तो वो अधिकरण से होगा, मुकदमे से होगा, अगर मुकदमा उसमें कायम हो गया तो वहाँ बातचीत होगी, पूरी जिरह होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। तो मेरा वोट ले जाओ, अगर कोई झगड़ा है तो मेरा वोट उस फेवर में है। दूसरा, वो अपना शुद्धि, यानी शुद्धि जो शुद्ध है वो शुद्धिकरण भेजता है कि उसे कोई दोष नहीं है, कोई उसमें पाप नहीं है, और अगर वो ये चीज़ नहीं भेजता है तो उसकी बात मानी नहीं जाती। तो एक तो वो ये कहता है कि भाई वोट आ गया है और एक शुद्धि आ गई है, यानी कि जो भिक्कू नहीं आ पाया है उनकी वोट और छंद आए। दूसरा, वो ये कहता है कि ऋतु की व्याख्यान करेगा। ऋतु की व्याख्यान का मतलब ये है कि तीन ऋतु हैं और तीन ऋतुओं में चार चार महीने होते हैं, यानी सीजन है, मौसम है, तो उन मौसम के चार चार महीने होते हैं। चार चार महीने में 12 महीने ये टोटल हुए, 12 महीने में 24 उपोषित होते हैं, इसके अलावा जो स्पेशल ऑकेजन पे हैं वो भी हैं। तो वो बताता है कि इस महीने का ये वाला उपोषित है, वो उपोषित की बाकायदा नाम और नंबर बताता है कि इस महीने का ये वाला उपोषित है, काली चौदस का या पूर्णमासी का, और किस महीने का और कैसे है, ये वो जिक्र करेगा। और उसके बाद वो करेगा कि इतने भिक्कुणु इसके अंदर इतने भिक्कू हैं, यानी भिक्कुओं की गणना करके बताएगा कि यहाँ उपोषितागार में इतने भिक्कू अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, भिक्कुओं की सबकी संख्या बताएगा। और फिर बताएगा ओवादो। ओवादो जो होता है वो अब नहीं चलता, ओवादो उस समय चलता था जब भिक्कुणियों की संख्या कम होती थी, कि भिक्कुणियों को क्या उपदेश देने, क्या आदेश देना है, यानी भिक्कुणियों के आदेश होते थे कि वो भिक्कू संघ से इस समय के बाद बाहर बैठें। शुरू में एक ही उपोषित होता था, बाद में जब भिक्कुणी संघ बन गया तो कुछ समय तक एक रहा, फिर बाद में सेपरेट हो गया। तो जब तक सेपरेट नहीं हुआ, तब तक अलग नहीं हुआ, तब तक वो एक साथ बैठते थे, तो भिक्कुणियों के लिए अलग से निर्देश होते थे, ये पाथी मोक्ष से पहले, जिनकी आवश्यकता अब नहीं पड़ती। तो ये पांच काम बताए गए हैं कि पाथी मोक्ष से पहले ये पांच काम करने हैं, ये पहले बताए गए हैं। उसके बाद में वो कहते हैं उपोषित हो, यानी कि जो उपोषित करने वाले लोग हैं, वो जो इकट्ठा हुए हैं, या तो काली चौदस पे या पूर्णमासी पे या विशेष अवसर पे, जो उपोषित करने वाले लोग हैं, उपेषित हो, यानी कि उनके लिए बोल रहे हैं, क्या है, चार काम और बताते हैं। एक तो भिक्कू संघ द्वारा कोई त्यागा गया भिक्कू, यानी कि कोई ऐसा भिक्कू जिसको भिक्कू संघ ने निकाल दिया है,
नियम है, बाद में बताऊंगा, भिक्खु संघ से भिक्खुओं को निकाला जा सकता है, ऐसा भिक्खु यहाँ ना हो, एक हाथ की दूरी पर बैठे और घेरे के बिना तोड़े बैठा हुआ हो, यानी कि सब लोग एक दूसरे से एक हाथ की दूरी पर बैठें और एक घेरा होता है उसको तोड़े ना। वो घेरा जो होता है वो आज भी बनता है, एक धागा बांध देते हैं चारों तरफ, एक बाउंड्री की सुरक्षा कर देते हैं कि भिक्खु का भिक्खु संघ ये है, इसमें कोई बाहर का आदमी आएगा नहीं, सारे लोग इसी के अंदर रहेंगे। तो भिक्खु ना घेरा तोड़ेगा और ना एक हाथ से कम की दूरी पर बैठेगा। ऐसा कोई भिक्खु अगर है तो उसको या तो ठीक होना पड़ेगा या उसको जाना पड़ेगा, और अगर कोई बाउंड्री के बाहर है तो उसे जाना पड़ेगा। दोपहर बाद भोजन करने का अपराधी न हो, कोई भिक्खु इसमें ऐसा ना हो जिसने दोपहर बाद में भोजन किया हो उसका अपराधी हो, वो इसमें सभा में नहीं बैठ सकता। इसलिए जो अकालिक भिक्खु है जिसने अकाल भोजन किया है उसको वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, उपोषण में नहीं कर सकता। और एक है 21 प्रकार के जो वर्जित लोग हैं, यानी 21 प्रकार के ऐसे करैक्टर हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उपोषण में नहीं बैठ सकते। वो 21 प्रकार के मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा, 21 प्रकार के करैक्टर हैं जिनमें से एक भी करैक्टर यहाँ नहीं होना चाहिए। ये चार बातें बताई हैं जो पाती मुख से, यानी कि जब हम उसकी आवृत्ति करेंगे, सूची बनाएंगे जो मुख के नियम है, उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि यहाँ इनमें से कोई भी भिक्खुओं में ना बैठा हुआ हो, ये नियम बताया गया है, ऐसा कहना बताया गया है। फिर वो कहते हैं कि अब मैं आपसे पाती मुख के कर्म की याचना करता हूँ, और किसी में अगर कोई पूर्व दोष है, यानी कि इस 15 दिनों के बीच में कोई दोष आ गया है, कोई कमी आ गई है, कोई पाप किया है, तो वो अपने पाप को दूसरे से बता सकता है और इसको समझा सकता है, इसको कह सकता है क्या है और क्या नहीं है। अब जो पूर्व कत है या पूर्व पार्क है या पूर्व जो दोष है वो क्या है, वो कहता है अपनी शुद्धता को कहो, यानी कि कहता है सभी सभा में कि जो आप शुद्ध हैं अपनी शुद्धता के बारे में बताओ। सभी को बताना होता है अपनी शुद्धता के बारे में, मगर इसका नियम है एक बार दो बार तीन बार वो ये कहता है कि आप अपनी शुद्धता के बारे में बताएं कि आप शुद्ध हैं। शुद्ध बोला जाता था स की मात्रा दय और आदत है, शुद्ध आप शुद्ध हैं इस बारे में बताएं। तो उसका नियम ये था कि वो तीन बार बोलेगा जो धम्म आसन पे बैठा हुआ है। अगर सारे भिक्खु चुप हैं और कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग शुद्ध हैं ऐसा माना जाएगा, तीन बार बोलेगा। फिर वो ये कहता था कि अगर तीन बार के बताने पर भी किसी ने अपना दोष प्रकट नहीं किया जानबूझकर और झूठ बोला है और वो झूठ से दोष को छुपा गया है तो ऐसे व्यक्ति को आयुष मानो। आयुष माने का मतलब है जिनकी आयुष के लिए मान्य हो, यानी कि अच्छे लोग हैं वो, उनकी आयु अच्छी बढ़ेगी, आयुष्मान बोला जाता है। तो ऐसा अगर कोई आयुष्मान है तो उसको अंतराय यानी अंतरायिक दोष लगेगा। अंतरायिक दोष क्या होता है? अंतरायिक दोष का मतलब है कि उसको विघ्न और बाधा आएगी उसके अंतर में, अंदर में, यानी कि वो जब धम्म साधना करेगा, जीवन जिएगा, तो वो ज्वाला उसको जलाएगी कि उसने दोष बताया नहीं, उसने पाप किया, और ये उसको परेशान करेगी, तो वो विपसना साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। उसको अंतरायिक दोष बोला है, अंतरायिक दोष बोला है भगवान ने। तो वो कहते हैं कि भाई आप दोष प्रकट करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप दोष प्रकट करोगे आपका मन का मैल निकल जाएगा, मन आपका निर्मल हो जाएगा, तब आप ध्यान साधना विपसना में तरक्की कर पाओगे। अनंत वो दोष निकालना ही पड़ेगा, अगर एक सभा में नहीं निकालेगा तो अगली में निकालना पड़ेगा, तो अगली में निकालना पड़ेगा, जब तक वो दोष को कहेगा नहीं और उसका दंड नहीं भुगतेगा तब तक वो विपसना साधना में धम्म में आगे प्रगति नहीं कर सकता। और इस प्रकार वो जब ये मानता है कि सारे भिक्खु चुप हैं और कोई नहीं बोला, तो वो ये मानता है और जो धम्मासन में बैठा है वो ये कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा धारण करता हूँ कि इस सभा में सारे लोगों का दोष रहित हैं, सब लोग शुद्ध हैं, और अब पाती मोख की जो कार्यवाही है वो आरंभ की जा सकती है। तो ऐसा धारण करने के बाद में जो निदान है, कन्फेशन है, वो खत्म हो जाता है। अगर किसी का कोई दोष है तो वो बताया जाता है, और अगर दोष किसी का आता है तो दोष के नियम हैं, जो नियम है वो पाती मुख में आगे आते हैं कि किस दोष की क्या सजा है और क्या दोष कैसे दूर होता है। वो पूरी भिक्खुओं की एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, पीनल कोड है, सजा की कोड है, उसमें सजा बताई गई है कि किसी भिक्खु की और भिक्खुण की क्या सजा है अगर वो कोई दोषी है। तो सबसे पहली सजा का नाम है पाराजिक। भिक्खुओं के लिए ये चार प्रकार की जो काम है वो होते हैं और सजा इसकी एक ही है। तो पाराजिक के बाद में मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि पाराजिक सबसे बड़ा दोष होता है, इसकी सबसे बड़ी सजा होती है और सबसे कठिन सजा होती है। भिक्खुणियों में ज़्यादा पाराजिक होते हैं और भिक्खुणों में कम होते हैं। अभी मैं भिक्खुओं के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। गच्छामि।